हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड मिनाटी। मैं मनीष काजल सिद्धार्थ के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। एंड वी होप आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द व्हाइट टाइगर। अभी नेटफ्लिक्स में शायद मूवी आने वाली है। नेटफ्लिक्स में जब भी कुछ आता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। हां, की सीरीज है, मूवी है, वेब सीरीज है, मूवी है। लेकिन ज्यादा प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव है तो ये मूवी होगी, और इनके साथ है आदर्श गौरव। गाइस, द व्हाइट टाइगर जो मैंने स्टडी किया है, ये 2008 में एक नॉवल लिखी थी अरविंद अडिगा जी ने। बहुत ही फेमस नॉवल है, इवन इसे 40th मैन बुकर अवार्ड में मिल गया था सेम ईयर में। तो मतलब काफी फेमस है। और दोस्तों, ऐसा है ना, मैंने हैरी पॉटर की भी नॉवल आई थी, वो भी तब नहीं पढ़ी थी। मूवीज में मैं ज्यादा, अगर कोई वीडियो आ रही होती ना किसी चीज की मूवी है, वो तो वो देखने में ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। तो अच्छा, ये नॉवल मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने फाइनली राजकुमार और प्रियंका आ रहे हैं, साथ में साथ आदर्श गौरव है, तो देखते हैं कि है ना ये जो नॉवल है इसको ये कैसे स्क्रीन पे उतारे। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसा ये टीजर। लेट्स स्टार्ट। जब आप इंडिया आएंगे सर, तो आप मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों से मिलेंगे। ड्राइवर, I'm sorry, तुम्हारा नाम क्या है? सर, बलराम सर। बलराम, रहने दो यार, नो प्रॉब्लम, सीरियसली कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरे वाला सॉन्ग है, वॉल्यूम बढ़ाओ। मालिक को खुश करने की चाह हमें इस तरह ढाली जाती है कि हम सही और गलत का अंतर ही भूल जाते हैं। सर, आपको ओलंपिक्स में खेलना चाहिए सर। आप महान आदमी हैं जो इस देश में बहुत महान काम करेंगे सर। तुम्हारा इस तरह हमारे लिए काम करना मुझे ठीक नहीं लगता है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सेवा करना आपका और अशोक सर का। नहीं, ये गलत है। तुम ये मान भी कैसे सकते हो? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी? वो अमीर आदमी है। याद है मैंने कहा था हिंदुस्तान में सिर्फ दो जातियां हैं, पहली जिनका पेट बड़ा है और दूसरी जिनकी भूख। मैं मुर्गे के पिंजरे में फंस चुका था। और ये मानने की भूल मत कीजिएगा कि रातों रात करोड़पति वाला शो जीतकर इस पिंजरे को तोड़ा जा सकता है। तुम मेरे ड्राइवर हो? हम तो बस वही हैं जो जग चुके हैं, जबकि बाकी सब सो ही रहे हैं अब तक। इस पिंजरे को तोड़ने का एक ही तरीका है, और ऐसा कोई आदमी नहीं बल्कि वो अनोखा जानवर ही कर सकता है जो कई पीढ़ियों में एक बार जन्म लेता है। द व्हाइट टाइगर। आने वाला वक्त आपका और मेरा है, तो बाकी सबको बस भगवान ही बचाए। तो जैसे कि टीजर देखा था व्हाइट टाइगर, मतलब टीजर कमाल का था। और कोई शायद एजेंसी है टाइगर ड्राइवर्स की, व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स की, जो आपको ड्राइवर प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, बिलबोर्ड है ना आया था इस टीजर में बीच में, जिसमें व्हाइट टाइगर ड्राइवर्स लिखा हुआ था। और मतलब जो मतलब सरप्राइजिंग फैक्टर था ना कि प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव साइड कैरेक्टर है, लीड में नहीं है। वही मैंने भी देखा। और जो मतलब आदर्श गौरव और मैं इनको ना शायद पहले किसी है ना सपोर्टिंग एक्ट में देख चुका हूँ। मैंने फेस तो इनका मुझे याद है, लेकिन इतना कुछ वो नहीं था कि ये लीड करेंगे। और स्टार्टिंग में वो इतना इनोसेंट और वैसा दिखता है, और एंड में मतलब इतना घातक इंसान, कुछ सोशल मैसेज से रिलेट हो रही होती है। लेकिन यार इस टीजर ने ना लास्ट में भी दिखा रहे थे ना कि प्रियंका चोपड़ा को कुछ फील हो रहा है, वो बोल रही है तुम नॉर्मली ये नहीं हो। मतलब लिटरली समझ नहीं आता कि चल क्या था। मुझे तो ऐसा लग रहा था वो कोई वैसा ही बंदा है, उसने पहले उनका ट्रस्ट जीता है एंड देन कुछ वहीं पे अपना कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया। ये मुझे इतना कुछ समझ में आया इसे देख के। हाँ, मैं सिद्धार्थ की बात से एग्री कर रहा था। मतलब गूज़बम्प्स मेरे को ना उस डायलॉग पे आया, मैं तो जग गया हूँ, बाकी लोग सब सो रहे हैं। मतलब वो डायलॉग कमाल का था। वहां से चेंज हुआ है ना पूरा यार। मतलब ये चीज बहुत सरप्राइजिंग है यार, प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव
साइड रोल पे है वो भी हिंदी में डब की है गाइस, ये जहां तक लग रहा था डबिंग साफ पता चल रही थी डबिंग में। हाँ, और जो नैरेट करा पूरा मतलब ना मुझे ना मनी हाइस क्या आ गया, जैसे टोक्यो मनी हाइस में नैरेट कर रही स्टोरी ले जा रही होती है वैसे ही यार, मतलब ये कुछ अलग होने वाला। मतलब मैं टीजर देख के इतना सरप्राइज हूं, टीजर इतना अच्छा है तो सोचो गाइस ट्रेलर कितना अमेजिंग होगा। और ये जो गाइस मूवी है ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, और इस टीजर को देखने बाद और आदर्श गौरव और राजकुमार राव मतलब सारे बड़े कैरेक्टर्स हैं। अगर आप देखो राजकुमार राव अपनी एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, और अभी तो आदर्श गौरव की एक्टिंग देख के भी मैं काफी सरप्राइज हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखी है ना। एक तरीके से कंपटीशन होने वाला है क्योंकि जी जब है ना बरेली की बर्फी देखी थी ना लीड में आयुष्मान खुराना थे लेकिन भारी पड़ रहे थे राजकुमार राव एग्जैक्टली। इस टीजर में भाई कुछ उल्टा ही होने वाला है, राजकुमार राव के सामने कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है जो है ना भाई टेबल पे करने वाला है। और अगर आप उनके लुक्स देखेंगे मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे उन्हें ना इतना बड़ा इतना मेन लीड, बट मुझे लगता है उनकी एक्टिंग स्किल्स इतने ज्यादा है कि वे डिजर्व करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा है कि नॉर्मल ड्राइवर है ठीक है, अब राजकुमार राव की कुछ स्टार्ट होगा कुछ होगा, बट पूरा का पूरा ट्रेंड टीजर उनके ऊपर ही था। डायरेक्टर ने कुछ सोचा ही होगा कि यार राजकुमार राव को एक ना नॉर्मल रोल दिया गया है, वरना वो भी कैपेबल है यार, बहुत वैरायटी है उनके रोल में, लेकिन यार ये जो बंदा था एक लुक स्टार्टिंग और एंड का भाई। गाइस अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी पता था भाई टाइगर के बारे में प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। गाइस अभी जैसे कि आपने देखा रिलीज डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो अभी जस्ट टीजर आया, माइट बी इसके बाद ट्रेलर भी आएगा, हम उस पर भी रिएक्शन देंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रिएक्शन देते रहे तो प्लीज आप ट्रेंड मिनाटी को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें हमारे नए ब्लॉग चैनल को स्मैक ब्लॉग को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस पर हम आपके लिए लाने वाले हैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स। आप चाहे तो हमें सजेशन भेज सकते हैं, अगर आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं किन वीडियो पे आप हमारा रिएक्शन चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना।